हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए फिर से ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस करके बताऊँगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था एल्डोल्ड एंड क्रॉस एल्डोल्ड कंडेंसेशन, जो कि दो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी की तरह सेम कैनिजारो अभिक्रिया एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस, ये सभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनिजारो अभिक्रिया, यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, ये सभी हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो एक साथ ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया कैनिजारो रिएक्शंस कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल या सोडियम फॉर्मेट बनता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को लेता हूँ। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके दो अणु को लेना है, देख सकते हैं, और इसकी रिएक्शन जो है सांद्र NaOH के साथ, सांद्र NaOH के साथ कराना है। तो आप देखेंगे आपको मेथिल एल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा, CH3OH प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेथिल फॉर्मेट नहीं सोडियम फॉर्मेट एंड मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो चुका है। कीटोन कैनिजारो क्या नहीं दिखाता है, केवल एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को लेकर के NaOH सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन करने में मेथिल एल्कोहल सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। ये उसी प्रकार के रिएक्शन जिस प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें हम देख सकते हैं आप पिछले वीडियो में, जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में एसिटाइल्डिहाइड के दो अणु को लिया था, उसके साथ रिएक्शन किया था कैनिजारो के में, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को लेकर रिएक्शन कराते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। देख सकते हैं यहाँ पे आप क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, जिस प्रकार से हमने फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को यहाँ पे सेम लिया था, यहाँ पे हमको लेना है एक जब अल्फा हाइड्रोजन रहित दो भिन्न एल्डिहाइड। इसमें देखेंगे इसके रिएक्शन, जैसे जब अल्फा हाइड्रोजन रहित दो भिन्न एल्डिहाइड के मध्य कैनिजारो अभिक्रिया होती है तब यह क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु सेम लिया था, यहाँ पे हम बेंजिल्डिहाइड लेते हैं। आप देख सकते हैं बेंजिल्डिहाइड का सोडियम फॉर्मेट के फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सांद्र NaOH की उपस्थिति में NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इसका, तो आप देखेंगे यहाँ पे बेंजिल एल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं आपके क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सांद्र NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे आपको बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट पिछले रिएक्शंस की तरह ही सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जितने मैंने आपको बताए वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स में, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो आपको वीडियो को अच्छे से समझिए, आप दोबारा से इसको देख के अच्छे से समझिए, इसका प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।